हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं हमारे किचन में क्या बन रहा है। मैं अपने किचन में बहुत ही हेल्दी सी ड्रिंक बना रही हूँ, यानी कि बादाम वाला दूध, जो कि हम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है और ठंड के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बादाम का दूध बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। तो इससे जो है ना, इसका छिलका उतारने में आसानी हो जाती है। तो फिर ना हम सारे छिलकों को उतार लेंगे और मिक्सी में इनका पेस्ट बना लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पर ये आधा किलो दूध लिया है और ये कुछ चीनी ली है। बहुत ही कम सामान से बहुत ही आसानी से ये बादाम वाला दूध बनकर तैयार होता है। तो चलिए बादाम वाला दूध बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। कि फ्रेंड्स, हमने सारे बादाम को छील लिया है, मिक्सी में डाल लिया है। आप चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं, या फिर जो दूध था ना, उसे मैं 2 से 3 चम्मच थोड़ा सा डाल के इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो पानी डाल कर भी पी सकते हैं, नहीं तो दूध डाल कर पी सकते हैं। और मैंने गैस पर जो आधा लीटर दूध दिखाया था ना आपको, उसे एक पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी ना हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही 8 से 10 मिनट बिल्कुल अच्छे से चलाएंगे। जब ये थोड़ा बिल्कुल हाफ हो जाएगा ना, तो फिर हम इसमें जो बादाम वाला पेस्ट है वो डालेंगे, और फिर लास्ट में इसमें शक्कर डालेंगे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है और ठंड के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। गर्मा गर्म बादाम वाला दूध बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही हेल्दी भी है हमारे लिए। तो इसे अभी हम लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट अच्छे से करेंगे, चलाते रहें कि ये जो है ना दूध हमारा जलेगा नहीं, और साइड साइड से भी इसे चलाते रहेंगे। आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जिससे कि हर कोई आसानी से बना सके। और जो चीज़ें मैं यूज़ की हूँ, नॉर्मल बादाम और शक्कर और दूध, जो कि हम सब के डेली के किचन में होती हैं। आप चाहें तो दूध को ठीक करने के लिए फ्रेंड, मैंने ना 5 मिनट ही अभी लो फ्लेम पर दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल दूध अच्छे से बिल्कुल गर्म हो गया है। और जो मैंने आपको दिखाया था ना, दूध डाल के पेस्ट जो था ना, मैंने पीसा था। तो अब इस पेस्ट को ना हम अपने डाल देंगे। बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है और बहुत ही हेल्दी भी लगता है। इसे बनाने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बादाम वाला दूध बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में। सारा जो पेस्ट है ना, ये सबको इसमें डाल दें और इसे अच्छे से चला दें। आप चाहें तो थिक करने के लिए इसमें कस्टर्ड को इस तरह से पानी या दूध में मिक्स करके डाल सकते हैं, कस्टर्ड पाउडर को, या कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ कि इसे हर कोई आसानी से बना सके। और हम इसमें लास्ट में शक्कर डालेंगे। दूध पकाने से ही हमारा दूध, आपको पता है कि थोड़ा मैंने ज़्यादा दूध लिया था, ये पकाते पकाते कम हो गया, तो ऐसे ही दूध मीठा हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा शक्कर का यूज़ ना करें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे टोटल फिर 7 से 8 मिनट पकाया है। अब देख सकते हैं बिल्कुल हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा बन गया है बादाम वाला दूध। अब मैं इसमें लास्ट में बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं, बिल्कुल 1 से 1.5 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा शक्कर ना डालें। आपके पास अगर केसर हो तो आप केसर भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है इसका कलर। मैं थोड़ा सा ये जो ये वाला होता है ना, ये येलो फूड कलर, बिल्कुल ज़रा सा 1 पिंच डाल दूंगी, जिससे कि ना देखने में थोड़ा सा बिल्कुल अट्रैक्टिव अच्छा सा लगेगा। बस इसे मिक्स कर दें। आपके पास अगर केसर हो तो आप केसर भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल सकते हैं। और बस फ्लेम को यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाई कर देती हूँ, और बस इसे आधे मिनट के लिए पका लेंगे।
हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बादाम वाला दूध बनकर तैयार है। मैं इसे इतना ही गाढ़ा रखूँगी और फ्लेम को बंद कर देती हूँ। आप चाहें तो और पका सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इतना इनफ है। चलिए इसे मैं गर्मा गर्म सर्व कर देती हूँ। हमारा बहुत ही हेल्दी सा बादाम वाला दूध बनकर तैयार है। अगर आपके पास मिट्टी वाला बर्तन या कप इस तरह का हो ना, तो इसमें ज़रूर सर्व करें। इसमें ना ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप चाहें तो इसे गर्मी के मौसम में फ्रिज में ठंडा करके भी पी सकते हैं। ये ठंडा भी बहुत टेस्टी लगता है, और इस तरह के ठंड के मौसम आप इसे गर्मा गर्म पिएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाना भी कितना आसान है आपने देखा ही, और पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लाजवाब सा बादाम वाला दूध बनकर तैयार है। देखने में जितना हेल्दी है उतना ही बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट सा है, और बहुत ही आसानी से 15 मिनट में बन जाता है, और बहुत ही आसानी से बन गया बिना किसी झंझट के। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो आप भी इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म बादाम वाला दूध ज़रूर ट्राई करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस हेल्दी सी रेसिपी को शेयर करिए। आप सभी का मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।